यहाँ पे हम अभी सेक्शन 326 आईपीसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे किसी को ग्रीवियस हर्ट, जान के किसी को ग्रीवियस हर्ट किया जाए, किसी को चोट पहुँचाई जाए, जो कि एक शार्प डेच वेपन से जब किसी को कोई चोट पहुँचाई जाए तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। वो शार्प डेच वेपन स्टेबिंग के लिए यूज़ हो सकता है, शूटिंग के लिए यूज़ हो सकता है, या हम कोई किसी को ऐसा सब्सटेंस दें, पॉइजन दे दें, या किसी जानवर से उसको आहत करने की कोशिश करें और उसमें उसको ग्रीवियस हर्ट हो और हम इसे जानते हुए करें, तो ये सेक्शन 326 अट्रैक्ट होता है। और इसके सेक्शन 320 आईपीसी में कंडीशंस दी गई हैं, जिसमें 8 कंडीशंस दी गई हैं, जिनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो प्रवा फसा ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। और इस सेक्शन के अंदर इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है, 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा आपको इसमें हो सकती है, जो इसके अंदर अगर आप दोषी पाए जाते हैं। तो अगर इसके किसी तरह की भी कंप्लेंट या कोई भी एफआईआर कंप्लेंट आपके खिलाफ 326 में होती है तो ये बड़ा ही सीरियस ऑफेंस है। तो आप किसी भी लॉयर की से इसकी पुष्टि करिए, लॉयर से समझिए कि आपके क्या लीगल ऑप्शंस हैं, उसके बाद ही इसमें आगे कोई भी कदम है जो वो कदम उठाए। यहाँ पे हम अभी सेक्शन 326 आईपीसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे किसी को ग्रीवियस हर्ट, जान के किसी को ग्रीवियस हर्ट किया जाए, किसी को चोट पहुँचाई जाए, जो कि एक शार्प डेच वेपन से जब किसी को कोई चोट पहुँचाई जाए तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। वो शार्प डेच वेपन स्टेबिंग के लिए यूज़ हो सकता है, शूटिंग के लिए यूज़ हो सकता है, या हम कोई किसी को ऐसा सब्सटेंस दें, पॉइजन दे दें, या किसी जानवर से उसको आहत करने की कोशिश करें और उसमें उसको ग्रीवियस हर्ट हो और हम इसे जानते हुए करें, तो ये गेट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस विद lorato.com। Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed.